सीकर में मंगलवार शाम कलेक्टर सभागार में हुई जिला कोचिंग निगरानी समिति की बैठक के बाद आज हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट एक्शन में आ चुका है। आज डिपार्टमेंट शहर में तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल सीकर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। फूड ऑफिसर मदन लाल बाजिया ने बताया, जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर आज से यह अभियान शुरू किया गया। दुकानों पर कोई ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है या फिर ऐसे तंबाकू प्रोडक्ट जिन पर कोई चेतावनी नहीं लिखी, उन्हें जब्त किया जा रहा है। सीकर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बाजिया ने बताया, आज सीकर में चिरंजी पनवाड़ी की गली में कई दुकानों पर सर्च कर प्रोडक्ट जब्त किए गए। आपको बता दें, जिला कोचिंग निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने अधिकारियों को कहा था कि शहर में दुकानों पर ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिनका दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं है। जो चिरंजी लाल की दुकान पर की, जिसमें जो तंबाकू के पैकेट सिगरेट है लड़ता के पगे, उनके 85% बार जो लोगों है वो नहीं लगा पाया, जो धारा 7 का उल्लंघन है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। शेखपाल को सीजिंग करके नियमानुसार खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चाला अभी सीजिंग होगी, सीजिंग होकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद दंड की प्रक्रिया वो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीकर में कितनी टीमें वर्तमान में कार्य कर रही हैं? आज शुरुआत है, आज ही जो पहला केस आज से किया, ये लगातार जारी है। अभियान लगातार जारी है। आपका नाम? मदन लाल। कोचिंग।